Hello warriors, today we are discussing about the Central Armed Police Force exam assistant commandant rank cutoff of the previous years. अब ये जो कट ऑफ है इस स्लाइड में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस कट ऑफ में पेपर वन भी होगा, पेपर वन के कितनी कट ऑफ गई है, पेपर वन प्लस पेपर टू की कट ऑफ जो है ऑल टुगेदर कितनी गई है, एंड इंटरव्यू की जो कट ऑफ है मेरिट जो बनती है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, एंड इसमें हमने जो है कैटेगराइज वाइज उसको डिस्प्ले किया है कि जनरल कैटेगरी कितनी गई है, देन ओबीसी की कितनी है, देन एससी एसटी की कितनी है. इससे ये जो स्लाइड है ये अगेन वेरी इफेक्टिव है और वेरी यूजफुल है उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ में इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज ये सभी एरियाज जो हैं बच्चों को साइंटिफिकली अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करता है. आपको अपनी पेपर के रिगार्डिंग सिलेबस का अच्छे से पता होना चाहिए, व्हाट इज कमिंग इन द एग्जाम और व्हाट इज नॉट कमिंग इन द एग्जाम वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि जो नहीं है उसका सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए. दूसरी बात है कि उस पेपर से रिलेटेड जो ट्रेंड्स हैं, जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट आप फोकस अप्रोच के साथ में उन एरियाज को टारगेट कर सको जहाँ पर ज़्यादा एरिया जो है उसमें पूछा जाता है. तीसरी चीज जो है यहाँ पे है आपकी कट ऑफ. कट ऑफ भी आपके लिए एक बेंचमार्क होता है कि आपने उस बेंचमार्क जो प्रीवियस ईयर्स का बेंचमार्क है उससे कितना आपने अब की बार प्रिपरेशन और भी ज़्यादा ऊपर रखनी है और आप अभी किस पोजीशन पे हो. ठीक है, तो अब ये जो आपके सामने लेके आ रहे हैं उसके अलावा भी बहुत ऐसे एरियाज हैं जो प्रिपरेशन में हेल्प है, वो वन बाय वन हम लोग अपनी डिफरेंट स्लाइड्स में उसको कवर करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट इज द कट ऑफ ऑफ प्रीवियस ईयर. तो हेयर व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिलेक्टेड द 2014 ऑनवर्ड्स पेपर टिल 2020 में यहां पे इसलिए ले रहा हूं बिकॉज अभी तक जो है 2021 का रिजल्ट आया नहीं है ड्यू टू सर्टेन रीजन. अभी वो जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए, इंटरव्यू भी अभी नहीं कंडक्ट हो पाए हैं, एंड 2022 जो है वो भी उसकी वजह से पेंडिंग चला हुआ है. तो यहां पे 2020 तक भी हम लोग यदि देखें और उस चीज को एनालाइज करें तो हमारा काफी कुछ जो है एरिया जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाता है. तो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ में जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो है हमारे पास में जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग हम लोग देखें, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा, कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी से है दे हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम कट ऑफ, दे शुड टारगेट. देखो अल्टीमेटली यदि आपने मैक्सिमम को अचीव करना है तो उसके नीचे एम्बिट में कुछ भी आएगा वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, तो हमेशा टारगेट हायर पे रहना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, तो उस बेसिस पे आप अपने जो रिस्पेक्टिव टारगेट्स है वो भी रख सकते हो. बट हमारी जो आपसे एडवाइस है वो यही है कि आप हमेशा अपने टारगेट जो है जो भी यहाँ पे मैक्सिमम है उससे भी आपने 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर ऊपर ही रखने हैं. तो लेट्स बिगिन विद इट. 2014 ऑनवर्ड पेपर वन जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेपर वन और 250 मार्क्स का ये रहता है दैट वी नो. तो यहाँ पे 2014 में 115 की कट ऑफ थी, एंड यदि हम लोग देखते हैं 2020 में 117, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट डिफरेंस कहाँ पर आया, डिफरेंस आया यहाँ पर 123. अब 2017 में 123 तक चली गई है कट ऑफ, एंड उसके बाद में मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहां पर, उसके बाद में जो कट ऑफ है वो 95 चली गई है नेक्स्ट ईयर, राइट. 2017 में यदि वो सबसे ऊपर गई, आप देखोगे पूरा ट्रेंड 14 से 20 के बीच में सबसे ऊपर कट ऑफ है 17 में, एंड 18 में सबसे लो कट ऑफ है यहां पर हम देख पा रहे हैं पेपर वन की. तो ऐसा नहीं होता है कि भाई हमने आज ये टारगेट रखा है कि लास्ट टाइम पे 123 कट ऑफ थी अगली बार भी उसी के आसपास में रहेगी, नहीं. इट डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ दी पेपर, पेपर जो पूछा गया है या उसके अंदर में जो चेंजेस आए हैं, एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो गई है या एक क्वेश्चन के जो तरीके हैं वो इतने ड्रास्टिकली वे से चेंज हो गए हैं कि बच्चा जो है उसको क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद में उसको इतनी जल्दी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, या जो कर पा रहा है अपने प्रीवियस तैयारी के बेस पे वो इतना उस चीज़ को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पा रही है. तो ये कई बार क्या होता है कि सडन चेंज भी आ जाता है. बट मान के चलो कि 114 से 123 पे जाना
इज नॉट अ ह्यूज चेंज, बट यस चेंज है, बट 123 से नेक्स्ट ईयर 95 पे आना, इट डिपेंड्स ऑन टू थ्री थिंग्स। एक तो उस समय पर जो है वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी, उससे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई थी, तो ज़्यादा बच्चे उस समय पर सेलेक्ट करने थे। पेपर जो है वो उसी ट्रेंड पे था जो 17 का है, लगभग वैसे ही 18 में पेपर था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं तो ज़्यादा सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा आपको पीछे तक जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो पीछे तक कहाँ गया, वो 95 तक चली गई थी। तो इसीलिए ये भी, तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो बढ़ती है घटती है। यदि सपोज करो यहाँ पर यदि हमने कहा कि सीट इंक्रीज हो गई थी, यदि वो सीट डिक्रीज हो जाती और काफ़ी ज़्यादा उसमें अमाउंट में डिक्रीज हो जाती तो ये 120 की तरह हो सकता है 135 भी चली जाती। इट डिपेंड्स कि वो जो है उस समय पर उस नोटिफिकेशन में क्या किस तरह से जो है वो ट्रेंड सेट हो रहा है आपकी वैकेंसी के बेस पर, आपके क्वेश्चंस के लेवल के बेस पर, एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर अटेम्प्टिंग दैट एग्जाम कितनी उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जरूर रखना है कि आपको इन चीज़ों पे नज़र जरूर रखनी चाहिए कि ये यहाँ पर जो कट ऑफ है एटलीस्ट इससे आप 20-30 मार्क्स ऊपर रखोगे तो कहीं ना कहीं इतना चेंज नहीं होता कि चेंज नीचे की तरफ जरूर आया है, ऊपर की तरफ चेंज नहीं होता कि सीधा 123 से 155 ही कट ऑफ चला है। बहुत रेयर है, हो भी जाए तो बहुत रेयर है। यदि एग्ज़ाम इतना ही उसका जो लेवल है इतना ईजी हो गया तो ऑब्वियस है फिर सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ऊपर 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 जाएंगे। तो हमेशा जो भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये कट ऑफ है, मैं यहाँ पे लेके आपको चलूंगा जरूर कि आप 123 को फोकस करो और पेपर वन में जो जनरल कैटेगरी से मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर वन में एटलीस्ट आप लोग यदि 150 और 160 तक का स्कोर अचीव कर पा रहे हो तो आपको बिना किसी डाउट के अपने जो है इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए स्टार्ट। हाँ, उससे पहले थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है बिकॉज जो है कट ऑफ अगेन ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। तो 150 इज अ वेरी वेरी सेफ स्कोर टिल डेट। दूसरी हम बात करेंगे यहां पर पेपर वन और पेपर टू का जो कंबाइन है उसकी कट ऑफ क्या रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमने यहां पे देखा कि पेपर वन पेपर टू की 190 है और यहां पे 205 है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज ही हो रही है। ये सबसे जरूरी है ट्रेंड देखना कि जो कट ऑफ है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इंक्रीज हो रही है। हम लोग 190, 72, 88, 206, 166, 201, 205, ये देखो आप यहां पे अगेन 166 गई है 2018 में, हालांकि इतनी कम जो है इससे पहले नहीं गई है, और जो सबसे ज़्यादा गई है वो अगेन 206 गई है 2017 में। ये भी वही है कि सीट्स जो है जैसी इंक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे वांट मोर, और उसके लिए थोड़ी सी कट ऑफ जो है पीछे रखनी पड़ती है ताकि ज़्यादा बच्चे उसके अंदर में सेलेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर जो जनरल हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास में इसमें कितने स्कोर ऐड किया जाए, देखो पेपर टू में इतना तो आपको पता है कि आपको 50 मार्क्स तो आज के टाइम पर मस्ट है, वो तो लेने ही लेने हैं किसी भी कैटेगरी में आप लोग हो। तो ये 50 मार्क्स जो हैं इसके ऊपर यदि आप ये 75, 61, हाँ लास्ट टाइम पे 2020 में हम लोग क्या देखते हैं कि 88 का जो है स्कोर जो है बड़ा एडवांटेजियस रहा है बच्चों के लिए। यदि उसका मिनिमम यहाँ पे 117 रहा है तो यहाँ पर उसको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, पेपर टू में ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो भी पेपर वन में कट ऑफ है आप 20-30 मार्क्स ऊपर लेके चलो ताकि आपका पेपर टू का भी प्रेशर जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, थोड़ा रिलीज हो जाए। तो ये जस्ट एक इंडिकेटर्स है, ये ऐसा नहीं है कि कट ऑफ है पेपर टू की, इंडिकेटर है कि आप यदि पेपर वन पेपर टू में जाओगे तो पेपर टू में एटलीस्ट यदि जस्ट आपने पास किया है पेपर वन कट ऑफ पे तो एटलीस्ट इतने मार्क्स आपको पेपर टू के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि आप कहीं ना कहीं जो लाई करें 75 की रेंज में आपको चाहिए, ये मस्ट है आपके लिए फिर, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। हालांकि आप पेपर वन में अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो तो पेपर टू में उतना ही आपके लिए रिलैक्सेशन हो जाएगी, इतना ही आप आराम से उसको कंबाइन कर सकते हो। तीसरी चीज यहां पर हमें जो देखनी है वो है पेपर वन टू That I have already told you कि जो final merit list बनती है उसमें आपके written exam का plus interview का दोनों के ही marks जुड़ते हैं, paper 1, paper 2 और interview के तीनों के मिला के 600 है। Out of 600 यदि हम लोग देखते हैं 294 was the cut off in 2014, है ना, that
दैट वॉज 49%, बट आज 2020 की हम बात करें, हालांकि 21-22 का रिजल्ट पेंडिंग है, फिर भी हम बात करें 2020 की, तो आपका रिजल्ट जो है 325 यानी कि 54% नियर अबाउट आपका जा चुका है, 55% के करीब जो है आपको पासिंग चाहिए ही चाहिए। ये आपकी एक जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसकी हम लोग स्कोर की बात करते हैं, इससे ऊपर भी बच्चे रहे होंगे जो टॉप में भी रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके पास में क्या है कि 325 नियरली 55% जो है आपकी कट ऑफ गई है। अब इसमें सबसे मेजर बात क्या है, बात यहाँ पर यह है कि इंटरव्यू में तो 150 मार्क्स ही हैं, किसी बच्चे के सपोज करो इस पेपर में, पेपर वन में ही 160 मार्क्स आ गए, 80 मार्क्स उसके यहां पर आ गए, टोटल कितने बन गए 240 मार्क्स बन गए। अब 240 में इंटरव्यू में 150 में से, अभी क्या होता है कि ये सारे कंबाइन है तो आपके हाफ हाफ जो है वो डिवाइड हो जाता है टास्क। यदि आप पेपर वन में बहुत अच्छा कर पा रहे हो, पेपर टू में बहुत अच्छा कर पा रहे हो और इंटरव्यू में बहुत ही नॉर्मल कर पा रहे हो, तभी भी आपकी होप बरकरार रहती है आपकी मेरिट में आने की। हाँ, यहां पर ही सब कुछ टिका हुआ है, तभी भी है नो डाउट बच्चा जो है इंटरव्यू में, हु नोस कि किसकी कैपेबिलिटी कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आते हैं और परफॉर्म कर सकता है। बट व्हाट वी से कि दैट इज टोटली ऑन यू, दैट इज ऑन द इंटरव्यू ऑफिसर्स आल्सो, कि जो वहाँ पे बैठे हैं वो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे उस चीज को काउंट कर रहे हैं, कैसे वो आपको मार्क्स दे रहे हैं, बट ये आपके ऊपर है। इसमें आप जितनी भी मेहनत कर सकते हो इसमें आप अपनी जान लगा दो, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर अचीव करने की कोशिश करो। तो ये एक ट्रेंड है जो प्रीवियस ईयर से आपको दिखाता है। ओबीसी में जाओगे तो भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है ज़्यादा, सेम ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हार्डली 1% का या 1 मार्क्स का या मार्क्स का फर्क भी नहीं होता, आप यहाँ पे देखोगे 2020 में सेम रहा है। इवन इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ये भी ऑलमोस्ट ठीक ही लेवल पे चल रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि फ़र्क कुछ नहीं है आपकी प्रिपरेशन के मार्क्स में, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं होगा। हाँ, बट आपको यदि इसके अकॉर्डिंग यदि आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दोगे, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने एफर्ट बढ़ा दोगे और इसे भी नॉट कि ये लेके आना है, इसे भी 20-30 मार्क्स यदि आप ऊपर लेके आओगे तो डेफिनेटली आपकी हर एक पार्ट की जो है कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। एंड यही एक आपके लिए साइंटिफिक वे है। अगेन मैं यही कहता हूँ कि प्रिपरेशन जो करनी है उसको बहुत क्लैरिटी के साथ में करना है, कहाँ पे कैसे एफर्ट लगाने हैं, कितने लगाने हैं और एनर्जी लगानी है नहीं लगानी है उस पार्ट पे, वो जानना जरूरी है। एंड उसी के साथ में फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड्स रहेंगी उसमें फिर हम लोग फर्दर और भी पार्ट्स लेके आएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। आप जस्ट उसके साथ में अपनी एनर्जी को और अपनी जो भी आपने अपने अभी तक सीखा है या सीखना चाह रहे हो उसको मैच करके देखते रहोगे क्या वो मैं सही ट्रैक पे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। थैंक यू।